Hey guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे हो सब लोग? I hope सब लोग ठीक होंगे. So guys, आप सोच रहे हैं मैं यहाँ कहाँ पे बैठी हूँ? आपको वैसे पता ही चल ही गया होगा. और guys, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे एक wardrobe लेना है, but finally वो दिन आ गया क्योंकि उसका रीज़न मैं बहुत ही अच्छा वो आपको बता दूँ. जैसे मैंने कोलेब्रेशंस मैंने स्टार्ट किए हैं तब से मेरे पास बहुत सारे ड्रेस आ गए हैं. और आपने मेरे रील्स के वीडियोज़ में, यूट्यूब के वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं हर वीडियो में नई नई ड्रेस पहनती हूँ. सो इतने सारे ड्रेस मैं कहाँ रखूँ? वैसे हमारे पास है wardrobe है हमारे पास, बट वो थोड़ा सा कम पड़ रहा है क्योंकि मेरे ड्रेसेस के लिए, बाकी वो सब है. बट अभी मैं wardrobe लेने के लिए आ गई हूँ. सो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमको बहुत दिनों से ब्लॉग भी बनाना था. सो मैंने एक दो देखे हैं, सो आपको भी दिखाती हूँ. चलिए, मैंने सबसे पहले यही वाला देखा था. सो मैं अभी इंफॉर्मेशन इनसे लेती हूँ. आइए, अच्छा लगा था, बट हमने और भी देखे हैं तो आपको वो भी दिखाती हूँ मैं. सो गाइस, वैसे मुझे अच्छा लगा है, बट स्लाइडिंग में आपके पास है? स्लाइडिंग में डोर वाले देखते हैं, हाथा में है. अच्छा शोरूम है. और हमने ये हम कब से आए, बट अभी मेरे दिमाग में आया कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है. तो यहाँ पे सारे मतलब wardrobe ही है, आप देख सकते हो कैसे लग रहा है ना. हमने ये वाला भी एक देखा था, शायद से प्रिंटेड में ये वाला देखा था हमने. बट इसकी मेरे बहुत सारे ड्रेसेस है इतना सा है, इसलिए मैं इसको नहीं करूँगी. यहाँ पे वैसे बहुत सारे गाइस आप देख सकते हो. ये मेरी मम्मी को ये वाला पसंद आया था, ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है. एंड ब्लैक कलर तो अभी यूनिक हो गया है क्योंकि सबकी यहाँ पे ब्लैक कलर दिखी रही है आपको. गाइस, सबसे पहले तो मेरे मम्मी को और मुझे और मेरे पापा को ये बहुत ही पसंद आया है, तो आपको दिखा दी. ये मैंने आपको दिखाया नहीं वैसे. आइए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल होगा. सो कैन यू सी, ये बहुत ही प्यारा है. सो यहाँ पे एक मिरर भी है छोटा सा ही वैसे. ओके, और यहाँ पे भी एक सेक्शन है जिसमें आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हो. यहाँ पे भी एक डोर है, इसके नीचे भी है. अरे क्यूट. और यहाँ पे भी एक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बड़ी होगी ना साइज, क्योंकि ये वाला मुझे छोटा लग रहा है इससे. मैंने उनको दिखाया है पूरे ब्लॉग में. गिफ्ट मेरे दादाजी की तरफ से है. इन ये जब से रिटायरमेंट की हुई है तब से मेरा फर्स्ट गिफ्ट है. ये मुझे लेके देते थे जब ये जॉब को थे तब. अभी ये रिटायरमेंट होने के बाद सबसे पहले गिफ्ट है. स्माइल. ये मतलब पापा की तरफ से फर्स्ट गिफ्ट है. वो रिटायरमेंट के बाद मतलब उन्होंने राशि को कुछ दिया नहीं था, तो इसलिए वो खास हमारे लिए कवर ले रही है, हमारे साथ आए और उसके पसंद का ले रहे हैं. ऐसा कोई नहीं है, पर राशि भी बार्गेनिंग कर रही है. ये मतलब और उसके पास इतनी ज्वेलरी, कपड़े बहुत, आप तो देखते हो रील्स में, वो हर रील्स में अलग अलग कपड़े पहनती है, तो बहुत हो गया. उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जब पूरा उसका कवर हम सजाएंगे. यस ना? सो अभी हम देखते हैं, चलिए फाइनल करने के बाद आपको जरूर दिखाएं. शिरडी के पास रहाता एक गांव है जहाँ पे हम आए हैं, मुथा फर्नीचर. सो इनके पास बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है. एंड हम आए हैं, सो अभी हमने अभी दो सिलेक्शन कर ले उसका. सो अभी भी हम देखते हैं, है ना? तो मतलब मुथा फर्नीचर का हमने नाम बहुत सुना है, तो हम कोपर गाँव से यहाँ खास आए देखने की क्या है यहाँ पे. तो बहुत अच्छा कलेक्शन है इनका फर्नीचर का. सोफा भी लेंगे पर बाद में, पर अच्छा है इनके पास सब. हाँ, आपको पसंद आया, इनको पसंद आया, इनको पसंद आया. और राशि के लिए एक चेयर भी लेनी है, तो देखते हैं. हम फिर से एक बार देखते हैं कि क्या हो रही है. वैसे गाइस, हमें और एक पसंद आया था. सबसे पहले मेरे मम्मी को और मुझे बहुत ही पसंद आया था. ऐसे भी बहुत ही प्यारा है. और हमने जो सिलेक्ट किया है उसका फिनिशिंग थोड़ा सा डल है. सो आप क्या करोगे? दो मिनट में फिनिशिंग हो जाएंगे. ओके, मतलब टाइम दे दो, बाहर निकाल के फिनिशिंग करके. सॉरी,
तो ये मैंने ली है मेरी दादाजी के लिए मेरे तरफ से, तो या अभी हमने ली ली है। तो आप मेरे लिए कहाँ देखा है आप? यहाँ पे बिल हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारा बिल और फाइनली हमने ली है। और गाइस अभी हम सुबह से शिरडी आए हैं, तो मुझे बहुत ही भूख लगी है, तो मैं क्या खा रही हूँ सो गाइस फाइनली अभी तो हमने कबर्ड ले लिया है, सो अभी हम घर जाएंगे शिरडी से कोपरगाँव। मतलब अभी हम कहाँ पे अभी रहाता में है, सो अभी हम यहाँ से शिरडी जाएंगे, शिरडी से कोपरगाँव जाएंगे। सो तब हम घर जाने के बाद हमारा जो कबर्ड है वो आ जाएगा घर पे। तो तभी आने के बाद हम एक दो दिन में, मतलब मेरे जो सारे ड्रेसेस है उसको सारा कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं, उसको मैं वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी आपको, है ना। नेक्स्ट वीडियो क्लोथिंग का वीडियो मेरा, मैं कैसे सब कुछ अरेंज करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। सो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। गाइस कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।